नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया गया था कि आज से टॉप 20 वीडियोस बनना शुरू हो गई है, जो कि विशेष रूप से सीपीसीटी की एग्जाम जो कि नेक्स्ट मंथ में आने वाली है 7 और 8 तारीख को, प्लस पीएससी की एग्जाम जो कि अभी 24 या 25 तारीख को है, इस में पूछे जाने वाले कंप्यूटर के फंडामेंटल, एमएस ऑफिस, इंटरनेट और हार्डवेयर नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन इससे निकलते हैं, वो सभी में आप लोगों को 15 से 20 लेक्चर में पूरे कंप्लीट करवाने वाला हूँ। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग एमएस ऑफिस की। फंडामेंटल के लेक्चर आपको कंटिन्यू मिल ही रहे होंगे, साथ ही साथ में आप लोगों को एमएस ऑफिस के लेक्चर भी डेली मिलते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, आप लोगों के बहुत काम का है। लगभग जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से यदि 20 मार्क्स का कंप्यूटर पूछ रहे हैं, तो उस 20 में से इस लेक्चर, ये जितने भी लेक्चर है 15 से 20, इस 20 लेक्चर में आप लोगों को 20 में से 17 या 18 नंबर जरूर कवर हो जाएंगे। सीपीसीटी में यदि 52 नंबर का कंप्यूटर आता है, तो 52 नंबर के कंप्यूटर में 48 नंबर 48 मार्क्स का आपका सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग, आज से एमएस ऑफिस का सेशन है। इस एमएस ऑफिस में आने वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक छोटा सा नोट्स तैयार करके रखे हैं, जो कि आप लोग बाद में चाहें अभी हाल पूरा पहले तो स्टडी कर लें, सुन लें, देख लें, समझ लें, इसके बाद फिर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं, जैसे आप लोगों के स्क्रीन पर दिख रहा होगा एमएस वर्ड आप लोगों के सामने ओपन है। यहाँ पर एमएस ऑफिस की शुरुआत कहीं भी किसी भी जगह आप लोग जाते हैं तो शुरुआत ऐसी होती है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या एमएस ऑफिस के टूल्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इस टाइप का कुछ ना कुछ आप लोगों को बताया जाता है। लेकिन फर्स्ट जो क्वेश्चन होता है, जो कि कॉम्पिटिटिव के लेवल पे सबसे पहले आप लोगों को याद होना चाहिए, वो होता है टाइप्स ऑफ ऑफिस, ना कि एमएस ऑफिस। पहला क्वेश्चन है ऑफिस कितने टाइप का होता है, उसके बाद एमएस ऑफिस कितने टाइप का होता है वो बात आती है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने कुछ ऑफिस के टाइप्स मैंने लिखे हुए हैं। जैसे सबसे पहले यदि कोई पूछ ले कि सबसे पहला ऑफिस कौन सा आया था, तो आप बता सकते हैं स्टार ऑफिस सबसे पहले लॉन्च किया गया था। स्टार ऑफिस के बाद लोटस ऑफिस आया, देन एमएस ऑफिस आया, लिब्रे ऑफिस आया, ऑफिस 365 और ओपन ऑफिस। इस टाइप से मार्केट में आज के समय में अलग अलग ऑफिसेस चल रहे हैं। कॉम्पिटेटिव एग्जाम जब भी होगी, वहां पर क्वेश्चनिंग आएगी, तो वहां पर केवल एमएस ऑफिस का नाम नहीं होगा, वो पूछ लेते हैं वहां पर कि आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से ऑफिस का पार्ट कौन सा है। अब उनमें यहां पर नाम दे दिया है एमएस ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ऑफिस 365 और कोई एक अदर। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑफिस में इन ऑफिसेस के नाम जो कि आपके सामने दिए, ये तीन तो यहां पर दिख ही रहे हैं कि एमएस ऑफिस, लिब्रे ऑफिस और ऑफिस 365 ऑफिस का ही एक पार्ट होता है। लेकिन यदि कोई थर्ड, फोर्थ नंबर पे कोई भी ऑप्शन दिया है, तो वो इसमें से नहीं माना जाएगा। तो यहां पर आप लोगों को ये जो 7 ऑफिस के नाम दिए, ये रटे हुए होने चाहिए। ये 7 में से एक ऑफिस पूछ ही लेते हैं, इनसे रिलेटेड या तो इनमें से पूछ लेंगे कि इनमें से ऑफिस का टाइप कौन सा है, या ये पूछ सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ में आने वाले टूल्स आप लोग बताइए, या पूछ सकते हैं ऑफिस 365 भी ऑफिस का कोई भाग है या नहीं है, इनमें से कोई भी नाम। तो ये नाम आपको रटे होने चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो कंडीशन आती है आप लोगों की एमएस ऑफिस की। इसमें एमएस ऑफिस पर जाने से पहले आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूं थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि कंडीशन आप लोगों के सामने इनकी क्या रहेगी। जब ऑफिस की स्टार्टिंग हुई थी, तो आज आप लोग एमएस वर्ड में जो काम करते हैं टाइपिंग का, वो पहले स्टार ऑफिस में हुआ करता था। यहाँ पर स्टार ऑफिस आप लोगों को दिख रहा होगा। तो कंडीशन हमारे पास थी, स्टार ऑफिस में जितना भी वर्किंग चलता था कि आप लोग केवल लेटर टाइप कर सकते हैं, उसको कट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इसमें किसी प्रकार का कलर यूज नहीं हो सकता था, साथ में कोई फॉन्ट साइज नहीं बढ़ा सकते थे, मतलब लिमिटेशंस थी बहुत सारी। आप एडिटिंग के नाम पर केवल कट कॉपी पेस्ट का यूज कर पाते थे, फॉर्मेटिंग के नाम पर ना बोल्ड, ना इटैलिक, ना अंडरलाइन, ना कोई फॉन्ट साइज, कुछ भी नहीं। इसको अपग्रेड किया गया, लोटस ऑफिस आया, लोटस ऑफिस में कुछ कमांड्स बढ़ा दी गई। लोटस ऑफिस के समय पर वहां पर लोटस ऑफिस के साथ में ही, जैसे हम बोल रहे हैं कि स्टार ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का काम स्टार ऑफिस करता था, लेकिन वर्ड और एक्सेल, बाद में एक्सेल आया, तो एक्सेल को यहाँ पर लोटस ऑफिस में नाम दिया गया लोटस 123। कभी कभी लोटस 123 के नाम से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप लोगों को विशेष रूप से याद रखना है। फिर से ध्यान रखें क्या बोल रहा हूं मैं, तो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहां पर मैं बोल रहा हूं लोटस 123। ये लोटस 123 जो है, ये एक्सेल का पहले वर्जन था, एक्सेल को पहले लोटस 123 के नाम से जानते थे लोटस ऑफिस के अंदर में। तो आप लोग कभी भी इसमें आगे बढ़ते हैं, वहां पर कोई कभी भी लोटस 123 के नाम से क्वेश्चन आ जाए, तो आप लोगों को इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे अभी करंट में मैं नोट्स पढ़ रहा था, तो आप लोगों को इस प्रकार के नोट्स में एक छोटी सी कंडीशन दी गई थी। हाँ, आज सर मुझे जानकारी,
तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोगों के सामने यहाँ पर लोटस ऑफिस क्लियर हुआ। लोटस ऑफिस के अंतर्गत आप लोगों को ध्यान रखना है कि लोटस ऑफिस में स्टार ऑफिस का काम तो होता ही था, वर्ड के जो वर्ड फॉर्मेटिंग का काम। दूसरा लोटस 1-2-3 जो कि एक्सेल, आज जिसे हम एमएस एक्सेल कहते हैं, एक्सेल की तरह यहाँ पर लोटस 1-2-3 में वर्क होता था। इससे आगे बढ़े तो फिर एमएस ऑफिस आया, ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट मोड पे काम करते थे। और यहाँ पर आपका सिस्टम चेंज हुआ, विंडोज आया, और विंडोज जब आया तो विंडोज फिर एमएस ऑफिस साथ में लेकर के आया। एमएस ऑफिस विंडोज के बनने के बाद बना था। जैसे आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है कि विंडोज का सबसे पहला वर्जन कौन सा है, तो आप लोग को याद रखना है कि विंडोज का सबसे पहला वर्जन, तो इधर मैं कुछ वर्जन आप लोगों को एग्जाम के पर्पज से लिख ही देता हूँ ताकि आप लोगों को भविष्य में दिक्कत ना आए, कि यहाँ पर सबसे पहला वर्जन विंडोज का विंडोज ही था। सेकंड वर्जन कौन सा है, तो आप लोग यहाँ पर देखें विंडोज 95 सेकंड एडिशन था। विंडोज 95 के बाद थर्ड वर्जन विंडोज का आया विंडोज 95 के बाद विंडोज 98, विंडोज 98 के बाद फिर आगे बढ़े तो विंडोज ने नया वर्जन निकाला था विंडोज 2000। विंडोज 2000 के बाद विंडोज 2000 सर्वर, विंडोज 2000 सर्वर के बाद फिर विंडोज 2003 सर्वर, विंडोज 2003 सर्वर के बाद विंडोज 2005 सर्वर। ऐसे ही फिर और आगे चले तो विंडोज का एक नया एडिशन निकला था, उसका नाम दिया था इन्होंने विंडोज एनटी। विंडोज एनटी को नेटवर्क टेक्नोलॉजी के नाम से जानते थे, ये नेटवर्क में स्पेशली यूज होता था। विंडोज एनटी के बाद फिर विंडोज एक्सपी लॉन्च हुआ जो कि बहुत ज्यादा चला, कई सालों तक चला। आज से 5-6 साल पहले ही इसको बंद किया माइक्रोसॉफ्ट ने, उससे पहले यही चल रहा था। और यहाँ पर एक्सपी का मतलब कभी कभी याद रखेगा, सीपीसीटी या ऐसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक्सपी का मीनिंग पूछ लेते हैं तो आपको याद रहे, जैसे एनटी को हमने नेटवर्क टेक्नोलॉजी बोला ऐसे ही एक्सपी को एक्सप्रेस एडिशन बोलते हैं। यहाँ पर एक्सपी से मीनिंग निकलता है एक्सप्रेस एडिशन। तो विंडोज एक्सपी आया, विंडोज एक्सपी के बाद विंडोज विस्टा, यहां शायद वीडियो के पीछे छुप रहा है तो मैं आप लोग को इधर लिख के दे देता हूं। विंडोज एक्सपी के बाद विंडोज विस्टा आया, विंडोज विस्टा के बाद विंडोज 7 आया। विंडोज 7 आज आप मार्केट में चले ही रहे हैं। विंडोज 7 के बाद विंडोज 8 लॉन्च हुआ, विंडोज 8 के बाद विंडोज 10 लॉन्च हुआ, और विंडोज 10 के बाद अभी मार्केट में यदि आप लोग देखेंगे तो 10 तक सभी लोग अपने सिस्टम में काम कर रहे हैं। इसके बाद इसको हटा दें अभी फिलहाल। तो ये जो सारे वर्जन आप लोग देख रहे हैं, इन वर्जनों के नाम आप लोग को अच्छे से पता होने चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर आगे आने वाले क्वेश्चंस विंडोज प्लस ऑफिस दोनों को रिलेट करके बताना पड़ेगा। अलग अलग एमएस ऑफिस के जो वर्जन है वो वर्जन पूरे आपके विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर अधिकतर अपने यहाँ के लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये विंडोज का वर्जन है या ऑफिस का वर्जन है, इसमें क्या कंडीशन है वो अभी आपको नीचे देखने पर समझ में आएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ जो सेटिंग मैंने, यहाँ जो सिस्टम बताया कि फिर जब विंडोज लॉन्च हुआ तो विंडोज 95 के समय एमएस ऑफिस नहीं बना था। विंडोज 95 और विंडोज 98 इन दोनों के बीच में जो ड्यूरेशन था, इस बीच एमएस ऑफिस लॉन्च किया गया था। और ऑफिस की जो कंडीशन थी कि सबसे पहला ऑफिस कौन सा था, तो आप लोगों को नीचे मैंने यहाँ पर वर्जन दिए हुए, उसके बारे में बारीकी से जानकारी दे दूंगा। जैसे कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं कि जब हम लोग बात करते हैं ऑफिस की, तो ऑफिस का सबसे पहला जो वर्जन था, एमएस ऑफिस का जो सबसे पहला वर्जन था वो था ऑफिस 97। अब समझने वाली जो बात है वो क्या, जब मैं यहां देखता हूं तो बोल रहा हूं ऑफिस 97 और विंडोज कौन सा चल रहा है, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहां पर विंडोज 95 और विंडोज 98। तो विंडोज 95 का लॉन्चिंग के समय तक 97 ऑफिस नहीं है, ऑफिस आया ही नहीं था, और इन दोनों की डेट्स के बीच में ही 97 ऑफिस लॉन्च किया गया जो कि 95 विंडो पर भी चलता था और विंडोज 98 पर भी लॉन्च किया गया, इस पर भी चलता था। देन लोगों से यदि पूछा जाए कि ऑफिस का पहला वर्जन कौन सा है, तो अधिकतर लोग यही जानते हैं कि ऑफिस का सबसे पहला वर्जन ऑफिस 98 है। क्यों? क्योंकि ऑफिस के वर्जन के बारे में किसी को जानकारी नहीं होती, और क्योंकि हमारे सामने हमेशा विंडोज ओपन होता है तो हम लोग विंडोज ही ऑफिस समझ लेते हैं। तो विंडोज का जो वर्जन है वो तो 98 था, लेकिन उस विंडोज 98 पर पहला ऑफिस
ऑफिस 97 लॉन्च किया गया था। ये आप लोगों को दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। ऐसे ये कंफ्यूज करने वाला जो वर्ड है वो है ऑफिस 2000, विंडोज 2000, देन ऑफिस 2000। यदि आप लोग नीचे देखेंगे तो यहां पर वर्जन में आपको ऑफिस 2000 दिख रहा है और वहां पर विंडोज 2000 भी है, तो विंडोज 2000 भी होता है और ऑफिस 2000 भी है। ऐसे ही वहां पर आप लोग देख पाएंगे कि ऑफिस विंडोज जो दिया है वो विंडोज हमने वहां पर लिखा हुआ है कौन सा 2000 के बाद। ध्यान से देखिए, तो विंडोज 2000 के बाद जो कंडीशन आई हमारे पास सर्वर एडिशन 2000 सर्वर 3 सर्वर 5 सर्वर, लेकिन यहां पर अभी तक 2002 वर्जन नहीं दिख रहा है। लेकिन आप लोगों के याद के लिए आपको मैं बता दूं कि यहां पर ये कंफ्यूजन वाली बात है, याद रखिएगा जो मैं बता रहा हूं। विंडोज एक्सपी जो है आपके सामने, इस विंडोज एक्सपी का जो वर्जन है वो 2002 वर्जन है। विंडोज एक्सपी को विंडोज 2002 बोला जाता है और आपने नीचे देखा ऑफिस का वर्जन भी 2002 है। अधिकतर 99% जनता जो है विंडोज एक्सपी पर ऑफिस 2002 वर्जन को यूज करने पर लोगों को यही पता था कि ऑफिस भी एक्सपी ही होता है। यदि किसी से आप बात करेंगे कि हमारे सिस्टम में एक्सपी ऑफिस इंस्टॉल करवाना है तो वो व्यक्ति आपके कंप्यूटर स्क्रीन कंप्यूटर पर 2002 वर्जन इंस्टॉल करेगा, लेकिन व्यक्ति के दिमाग में रटा हुआ है कि ऑफिस एक्सपी हमने इंस्टॉल कराया, पर ऑफिस एक्सपी नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। यहां पर आप लोग के पास है विंडोज एक्सपी, विंडोज एक्सपी के समय पर ऑफिस एक्सपी लॉन्च किया गया था, 2002 ऑफिस लॉन्च किया गया था और उसी को विंडोज एक्सपी के नाम के कारण, क्योंकि उस पर ज्यादातर चला तो लोगों ने ऑफिस का नाम भी एक्सपी ऑफिस ही रख दिया। विंडोज एक्सपी के कारण ऑफिस एक्सपी कहने लग गए, पर एक्सपी ऑफिस नहीं होता, ऑफिस का वर्जन 2002 होता है, ये आप लोगों को याद रखना है। कारण ये है कि सीपीसीटी या किसी भी एमपीपीएससी जैसी एग्जाम में जो क्वेश्चनिंग होगी वो इस टाइप से ही पूछा जाएगा, तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये चीजें विशेष रूप से आप लोगों के लिए रहेगी। आगे बढ़ता हूं मैं, नेक्स्ट सिस्टम कि जैसे आप लोगों ने यहां पर देखा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जब लॉन्च हुआ तो इसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक एक्सेस 5 सॉफ्टवेयर लॉन्च किए गए थे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक और एक्सेस, ये पांचों सॉफ्टवेयर एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस इज अ ग्रुप ऑफ सम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, एमएस ऑफिस जो होता है वो कुछ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक ग्रुप है। तो जब भी आप एक छोटी सी जानकारी है, जब भी आप किसी सेंटर पर एमएस ऑफिस सीखने जाते हैं या वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की बात करते हैं तो अधिकतर लोगों के मुंह से क्या निकलता है कि सर मुझे इंक्वायरी लेना है, सर मुझे एमएस ऑफिस सीखना है और मुझे वर्ड एक्सेल भी अच्छे से सीखना है। तब यहां एक क्वेश्चन तो सामने वाले जो फैकल्टी जो टीचर आपको गाइड कर रहा है वो बैठा हो समझ गया कि आपको नहीं पता होता कि एमएस ऑफिस आपने बोल दिया तो आपको वर्ड एक्सेल बोलने की जरूरत नहीं है। आप या तो एमएस ऑफिस बोल दें या फिर आप वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक एक्सेस बोल दें, बात एक ही रहेगी। क्यों? क्योंकि ये पांचों सॉफ्टवेयर जो होते हैं इनका जो ग्रुप होता है वही पूरा एमएस ऑफिस कहलाता है। तो ये जानकारी आप लोगों के लिए जरूरी है कि जब भी इंक्वायरी लेने जाए तो आप लोग याद रखें कि एमएस ऑफिस बोल दिया मतलब आपने वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक एक्सेस बोल दिया है कि सर हमको एमएस ऑफिस सीखना है, तो सामने वाला समझ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमएस ऑफिस के बाद फिर लिब्रे ऑफिस निकला, याद रखिएगा लिब्रे ऑफिस, ऑफिस 365 और ओपन ऑफिस, ये कुछ वर्जन आप लोगों के सामने यहाँ पर हमेशा रहते हैं। तो लिब्रे ऑफिस और ओपन ऑफिस जो है ये ओपन प्लेटफॉर्म है, ओपन प्लेटफॉर्म इन द सेंस कि जब कभी भी आप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट की बात तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है ऑफिस 365, जिसको कि अलग से ऑफिस का पार्ट लोग मानते हैं। यहां पर हम लोगों ने कुछ ऑफिसेज में जैसे एमएस ऑफिस लिख दिया तो माइक्रोसॉफ्ट ने जो ऑफिस बनाया उसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पार्ट है ऑफिस 365। तो यहां पर इसको अलग से लिखने के बजाय आप लोग इसको न लिखें तो ज्यादा बेटर है, याद रखिएगा। इसको मैं अभी हटा भी सकता हूं लेकिन सिर्फ आपकी जानकारी के लिए यहां पर मैंने इसको लिखा है कि लोग इसको अलग से ग्रुप में लिखते हैं। पर आगे बढ़ते हैं तो लिब्रे ऑफिस और ऑफिस ओपन ऑफिस, आजकल ओपन ऑफिस का यूज गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा होने लगा है। क्यों? क्योंकि ये फ्री वर्जन है ओपन ऑफिस जो है वो, उसमें भी ओपन ऑफिस में भी आपको वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आउटलुक एक्सेस मिलेगा लेकिन उसके आगे एमएस नहीं लगता, माइक्रोसॉफ्ट नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं बनाया, ये ओपन प्लेटफॉर्म है। जिस भी कंपनी ने इसको लॉन्च किया उसने यहां पर इसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री वर्जन रखा कि आप किसी भी विंडो पर इसको चलाएं ये वर्किंग करेगा। माइक्रोसॉफ्ट के लिए लिमिटेशन है कि माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज पर ही चलेगा, लेकिन ओपन ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पर भी चलेगा, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चलेगा, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पर भी चलेगा। ये सभी फाइल सिस्टम को, ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी फाइल सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। चलिए तो ये काम हुआ आपका टाइप्स ऑफ ऑफिस का, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान रखिएगा, सभी रटा हुआ होना चाहिए। आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो बात करते हैं फिर
उन सारे ग्रुप में, क्योंकि हमको तो एमएस ऑफिस पढ़ना है, एग्जाम में अक्सर एमएस ऑफिस के बारे में ही पूछा जाता है। तो यहाँ जो कंडीशन हम लोगों की रहेगी वो क्या, एमएस ऑफिस के अंदर में पहले केवल 5 टूल्स का यूज होता था, 5 ही सॉफ्टवेयर यूज किए जाते थे, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस। लेकिन आज के समय में जब हम लोग बात करते हैं तो कंडीशन हमारे सामने रहती है वन नोट, पब्लिशर और स्काइप। स्काइप जो है अभी लेटेस्ट जो वर्जन चल रहे हैं 2019 हो गया, या फिर हम बात करें ऑफिस 365, इसमें पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों के साथ में जो कंडीशन रहेगी, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस तो यहाँ दिया हुआ है, प्लस वन नोट और पब्लिशर भी मैंने लिखा है, प्लस स्काइप। आप लोगों से गलती से पूछ लिया जाए कि एमएस ऑफिस के अंदर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, तो ये सारे नाम आप लोगों को रटे हुए होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इन्हीं का इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। जैसे कभी पूछ ले माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या काम करता है, तो एक वन वर्ड में बोलूंगा कि वर्ड फॉर्मेटिंग का वर्किंग करता है। एमएस वर्ड में वर्ड फॉर्मेटिंग होती है। वर्ड फॉर्मेटिंग की कंडीशन के लिए एक छोटी सी बात कि वर्ड फॉर्मेटिंग क्या होती है, तो आप लोगों को याद रखना है किसी भी वर्ड में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई भी टेक्स्ट आप लोग लिखेंगे उसको बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, लेफ्ट राइट सेंटर करना, या फिर आप बात करें फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देना, उसको कलर्स वगैरह लगा देना, बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना, इंक्रीज और डिक्रीज करना, बुलेट्स लगा देना, नंबरिंग वगैरह लगा देना, इस टाइप के जितने भी वर्किंग होते हैं सब फॉर्मेटिंग पार्ट होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सारे फॉर्मेटिंग में सबसे अच्छा माना जाता है। आगे बढ़े, पावर पॉइंट की बात करें, तो जब पावर पॉइंट की बात करेंगे यहां पर वर्ड हुआ आपका, देन एक्सेल की बात कर ले पहले। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या काम करता है, तो नीचे लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट फीचर्स कैलकुलेटिंग ग्राफिक्स टूल्स और पाइवट टेबल। यहां पर जब एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल में मैं आपको सिंपल सा समझा दूं कि एक्सेल में पूरा टेबुलर फॉर्मेट पे वर्क किया जाता है, सारी टेबल से रिलेटेड जो भी काम है वो सब एक्सेल में होता है। साथ ही साथ आप ग्राफिकल कोई भी नंबर्स को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो चार्ट और ग्राफ का यूज यहां पर होता है, तो ये काम यहां होता है। देन फंक्शंस का, जिसे हम फॉर्मूले के नाम से जानते हैं, फंक्शंस और फॉर्मूले यहां पर यूज किए जा सकते हैं। एक्सेल का विशेष रूप से 3 मेन कामों में यूज होता है, पहला टेबुलर फॉर्मेट, दूसरा ग्राफ्स और चार्ट, तीसरा फंक्शंस का यूज। तो ये तीनों चीजों के लिए एमएस एक्सेल बना है। पावर पॉइंट की बात करें तो प्रेजेंटेशन के लिए यूज किया जाता है। इस प्रेजेंटेशन में आप लोग टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स का यूज कर सकते हैं, वॉइस का, साउंड्स का या ऑडियो का यूज कर सकते हैं और वीडियो का यूज कर सकते हैं। इन चारों के साथ में एनिमेशंस का यूज कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट का विशेष रूप से कोई वर्किंग पूछे तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका यूज प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। एमएस एक्सेस की बात करें तो एमएस एक्सेस इज अ डेटाबेस प्रोग्राम। ये डेटाबेस में काम आता है कि कोई भी डेटाबेस की जब बात की जाती है तो आप लोग जब कभी भी किसी भी जगह पर सॉफ्टवेयर की, कोई भी दुकान वाला हो या मॉल वाला हो, कहीं भी काम कर रहा है, तो उनके पर्टिकुलर खुद के सॉफ्टवेयर बने हुए हैं। जैसे आप लोगों ने मेल आईडी बनाने के लिए, ईमेल आईडी बनाने के लिए एक फॉर्म फिल जरूर किया होगा, उस फॉर्म में आप अपना डेटा डालते हैं, आप अपना नेम डालते हैं, आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालते हैं, मेल फीमेल वगैरह डालते हैं, इस टाइप से जो भी जानकारी जाती है तो वो एक फाइल में जाकर के सेव होता है। उस फाइल को हम डेटा बेस फाइल बोलते हैं, ताकि कभी भी आपकी उन इन्फॉर्मेशन, आपका पासवर्ड वगैरह भूल गए और इन्फॉर्मेशन वापस चाहिए तो वहां के डेटाबेस से आप लोग अपना इन्फॉर्मेशन फिर से कलेक्ट कर सकें। देन फिर बात करें आउटलुक की, तो आउटलुक ध्यान से सुनिएगा, आउटलुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ऑनलाइन वर्क को ऑफलाइन मोड पे करने में मदद करता है। जब कभी भी कोई ऑनलाइन वर्किंग है तो उस ऑनलाइन वर्किंग, जैसे कि मेल यदि करना है तो इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, बगैर इंटरनेट के आप अपने मेल आईडी पर नहीं जा सकते। लेकिन आउटलुक एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑफलाइन मोड पर ही बगैर इंटरनेट की मदद से आपका ईमेल पूरा तैयार कर सकता है, और फिर जब उस मेल को आप लोगों को सेंड करना होता है तो एक सेकंड के लिए नेट चालू कर दें, आपका मेल हो जाएगा। मतलब जो काम ऑनलाइन करते हैं उसको पूरा ऑफलाइन मोड पे आप आउटलुक के माध्यम से तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही फिर वन नोट हुआ, पब्लिशर हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चनिंग अभी बहुत कम होगी, विशेष रूप से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस को आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर भी वन नोट और पब्लिशर की हम यहां पर बात करते हैं तो मैंने सभी की जानकारी आप लोगों को यहां पर दी हुई है। वन नोट क्या बोल रहा है, माइक्रोसॉफ्ट वन नोट इज अ फ्री फॉर्म नोट टेकिंग प्रोग्राम फॉर विंडोज एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। आप अपने नोट्स वगैरह यदि बनाने की कोशिश करते हैं तो नोट्स बनाने के लिए विशेष रूप से वन नोट जैसे प्रोग्राम को डिजाइन किया गया है। यहां पर विशेष रूप से डेट टाइम वगैरह के हिसाब से आप अपने नोट्स वगैरह तैयार करके रख सकते हैं। ऐसे ही फिर पब्लिशर की बात करें तो पब्लिशर इज अ डेस्कटॉप पब्लिशिंग प्रोग्राम फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात की जाती है तो एक ही नाम आता है, पेज मेकर, कोरल फोटोशॉप, डीटीपी। डीटीपी के अंतर्गत पेज मेकर, कोरल फोटोशॉप का हमेशा नाम आता है, लेकिन यही पब्लिशिंग से रिलेटेड वर्किंग उन्होंने यहां पर
माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर करके एक सॉफ्टवेयर दिया, उसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग से रिलेटेड कुछ लेवल पर आप लोग काम कर सकते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन था इससे रिलेटेड सारे प्रोग्राम का। लास्ट में स्काइप फॉर बिजनेस। स्काइप फॉर बिजनेस इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग क्लाइंट एंड अनफिल्ड कम्युनिकेशन एप्लीकेशन। कि यदि आप बात करते हैं तो स्काइप का नाम सभी ने सुना हुआ है कि स्काइप के माध्यम से आप एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम पर एक्टिव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही स्काइप फॉर बिजनेस बिजनेस के लिए विशेष रूप से इसमें यहां पर ये एप्लीकेशन ऐड करी जो कि इंस्टेंट मैसेजिंग का काम करती है, लाइव मैसेजिंग का काम करती है। आप लोग उसी समय पर दूसरे सिस्टम पर एक ही समय पर दो सिस्टम कनेक्ट करके लाइव मैसेजिंग कर सकते हैं। तो ये एक इंट्रोडक्शन हुआ आपके एमएस ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर का। आगे बढ़ते हैं तो यहां पर मैंने वर्जन लिखे हुए, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। थोड़ा स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूं। स्पीड में पढ़ाने का कारण सिर्फ यही है कि आप लोगों के पास समय कम है और पढ़ना ज्यादा है, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं हमारी 7 और 8 तारीख को उधर एग्जाम है, इधर पीएससी एमपीपीएससी के एग्जाम जो है वो 25 तारीख को है। तो उस 25 तारीख से पहले पहले फंडामेंटल और एमएस ऑफिस को लगभग लगभग हम लोग कंप्लीट करेंगे, ताकि आप लोग इसमें जो लोग जीरो हैं जिन्होंने अभी तक कोई स्टडी नहीं करी है वो लोग भी 50% मार्क्स कंप्यूटर के पेपर में पार्ट में ला सकते हैं। एमएस ऑफिस के वर्जन, तो सबसे पहला ऑफिस 97 था, देन 2000 लॉन्च किया गया, 2000 के बाद 2002 आया, देन 3 आया, 3 के बाद 7 आया, 7 के बाद 10 आया, फिर 13 आया, 16 आया, 19 आया, और अब 19 के बाद जो लेटेस्ट वर्जन उसको ऑफिस 365 के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग कभी भी वर्जन की बात करेंगे तो अभी तक हम लोगों को वर्जन पढ़ाए जाते थे 2013 तक। अभी मैं जिस वर्जन पे काम कर रहा हूं वो ऑफिस का 2019 वर्जन है, प्लस हम लोग 365 पे भी बहुत जल्दी से वर्किंग शुरू करने वाले हैं। और स्पेशली जितनी भी कंपनीज है वो लोग ऑफिस 365 में एक्सेल पर वर्किंग करती है, क्योंकि एक्सेल उसका बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर, वर्ड के फीचर्स में इतना ज्यादा अंतर नहीं है पर एक्सेल में बहुत एडवांस फीचर्स ऑफिस 365 में ऐड किया है। तो बहुत जल्दी ऑफिस 365 के एक्सेल की जो जितने भी एडवांस चीजें आई हैं वो आप लोगों के सामने एक एक्स्ट्रा एडिशनल वीडियो हम लोग जल्दी ही लॉन्च करेंगे। आगे बढ़ता हूं, तो ये सारे वर्जन आप लोगों को रटे होने चाहिए जो कि विंडोज से आप लोग देखें रिलेट करते हैं। इसका जो 97 है तो उधर 98 होता है, व्यक्ति क्या बोलता है विंडोज 98 पर ऑफिस 98 का यूज किया जाता था, पर आप लोगों को याद रहे ऑफिस 98 तो कुछ होता ही नहीं है, ऑफिस का सबसे पहला वर्जन 97 ऑफिस था, वो मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ऐसे ही सेकंड वर्जन वहां पर आप लोग देखेंगे तो ऑफिस विंडोज 2000 था, तो ऑफिस का भी 2000 वर्जन लॉन्च हुआ था। ऐसे ही वहां पर आप लोग देखेंगे तो ऑफिस में बाद में एक्सपी ऑफिस वगैरह लॉन्च किया गया था। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं यहां पर आप लोग के एमएस ऑफिस के जितने भी वर्जन हैं आप ये पूरे रिलेटेड होते हैं विंडोज से। तो जैसे मैं बता रहा हूं यहां पर कि आप लोगों का 2002 वर्जन हुआ या 2000 वर्जन हुआ, तो 2000 उधर 2000 विंडोज है और इधर ऑफिस 2000 है। तो व्यक्ति यहां पर सोचता है कि ऑफिस भी 2000 ही है, विंडोज भी 2000 है, लेकिन 2002 ऑफिस है पर वहां पर विंडोज एक्सपी है और विंडोज एक्सपी का पर अधिकतर ऑफिस 2002 का यूज ज्यादा किया गया था। तो यहां पर लोगों ने ऑफिस 2002 को एक्सपी ऑफिस के नाम से बोलना शुरू कर दिया। पर आप लोगों को ध्यान रखना है एग्जाम में यदि 2002 पूछा जाता है तो वहां पर उसको एक्सपी ऑफिस कभी नहीं बोलना है। दूसरा, ऐसे ही वर्जन चेंज होते गए, विंडोज के वर्जन आप लोगों को मैंने दिखाई नहीं है, वो वर्जन थोड़े अलग है और ये वर्जन अलग है, तो इन दोनों को आप लोग एक ना समझें। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है और एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। यहाँ पर आप एप्लीकेशन बनाते हो और विंडोज जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम को ऑपरेट करने का काम करता है। तो एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप लोगों का, एमएस ऑफिस की शुरुआत आप लोग कर रहे हैं तो किस टाइप से आप लोग इस चीज को समझेंगे। ये जितना भी मैंने आप लोगों को अभी इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया है इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, तो आप लोग इसको पूरा रट कर ही जाना है। एमएस ऑफिस में, पूरे एमएस ऑफिस में लगभग लगभग आप ये समझिए कि फंडामेंटल में 15 नंबर का पूछा जाता है, तो एमएस ऑफिस में 10 से 15 नंबर का जरूर आएगा। 52 नंबर में से 15 से 20 नंबर का फंडामेंटल, तो 10 से 15 नंबर के एमएस ऑफिस के क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें से ये जितना अभी मैंने आपको पढ़ा दिया इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके कन्फर्म है कि आ ही जाएंगे, तो इसको आप भूलिएगा नहीं, छोड़िएगा नहीं। आगे बढ़ता हूं मैं, लास्ट में एक इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में आपको और दे देता हूं। जैसे यहां पर आप लोग नीचे देख पा रहे हैं कि एक टेबल बना रखी है, इस टेबल के माध्यम से मैं आपको समझा दूं, इस टेबल को भी आप लोगों को रट लेना है पूरा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, ये 5 सॉफ्टवेयर आपके सामने जो अधिकतर यूज होते हैं। इन प्रोग्रामों में
क्या चेंजेस होता है, डिफरेंसेस क्या है, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आप लोग इन सारे सॉफ्टवेयर के बारे में पूरी जानकारी आप लोग मिल जाएगी। जैसे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, आउटलुक हो या एक्सेस हो, इसका एग्जीक्यूटेबल नेम क्या होता है। तो सामने लिख रखा है कि एग्जीक्यूटेबल नेम प्रोग्राम को रन करने के लिए जिस नाम का उपयोग किया जाता है। तो विंडो आर, विंडो की आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने बताई थी, विंडो की के शॉर्टकट्स आप लोगों को बताए थे, लेकिन फिर भी यदि किसी को कंफ्यूजन है तो याद रखिएगा, यहां पर आप लोगों को एक कीबोर्ड दिख रहा है, इस कीबोर्ड में ये वाली जो की है इसको हम विंडो की के नाम से जानते हैं, यहां पर ये विंडो की होती है। तो विंडो के साथ आर प्रेस करने पर रन कमांड आती है, और रन कमांड आने पर आप लोग यहां पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए विन वर्ड लिख देते हैं विदाउट एनी स्पेस। एग्जीक्यूटेबल के लिए दो बातें कि एग्जीक्यूट करने के लिए जो प्रोग्राम का नाम आप लिखेंगे उसके नाम के बीच में कभी स्पेस नहीं होगी। दूसरा, ये कैश सेंसिटिव नहीं होता, कैश सेंसिटिव नहीं होता मतलब किसी भी कैश में लिख दें, अपर कैश हो, लोअर कैश हो, टाइटल कैश हो, टोगल कैश हो या सेंटेंस कैश हो। कभी कोई पूछ ले कैसेस कितने टाइप के होते हैं, तो पांच टाइप के कैश होते हैं, वो पांचों में से कोई भी कैश अप्लाई कर दें, ये यहां पर रन करेगा, ये यहां कैश सेंसिटिव नहीं होता। मतलब आप सारे लेटर कैपिटल लिखें, सारे लेटर स्मॉल लिख दें, फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख दें, लास्ट लेटर कैपिटल लिख दें, या फर्स्ट स्मॉल करके सारे कैपिटल लिख दें, कुछ भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक्टिव होगा। तो आप लोग एग्जीक्यूटेबल नेम जो भी है वो बगैर स्पेस दिए नाम हमेशा टाइप करेगा, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और साथ में कैश सेंसिटिव की कोई परेशानी यहां पर नहीं आती है। तो यहां पर मैंने विन वर्ड लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर ओपन ही है। तो मैं यहां पर एक्सेल लिख के बताता हूं कि जब मुझे एक्सेल चाहिए तो मैं यहां स्टार्ट मेन्यू में जाके वहां पर सर्च नहीं करूंगा या डेस्कटॉप पे शॉर्टकट नहीं ढूंढूंगा, विंडो आर करूंगा, एक्सेल लिखूंगा और इंटर कर दूंगा। कंप्यूटर में एक्सेल जहां भी होगा वो आपके सामने कुछ ही देर में एक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही विंडो आर आप लोगों ने किया, पावर पॉइंट की जरूरत है, POWER देन PNT, पावर PNT, विदाउट एनी स्पेस लिखना है, स्पेलिंग पूरी आपकी सही होनी चाहिए, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ये पावर पॉइंट आपके सामने आ जाएगा। इस टाइप से आप आउटलुक एक्सेस को भी एक्टिव कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर बंद कर रहा हूं एक्सेल को भी, हम वापस अपनी स्क्रीन पर हैं। तो सभी प्रोग्राम के एग्जीक्यूटेबल नेम, मैं बोल रहा हूं इस लिस्ट में से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको कभी भी भूलना नहीं। तो एग्जीक्यूटेबल नेम आपको सारे प्रोग्राम के याद रखने हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए विनवर्ड, एमएस एक्सेल के लिए एक्सेल, पावर पॉइंट के लिए पावर PNT, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के लिए आउटलुक, एक्सेस के लिए एमएस एक्सेस पूरा लिखते हैं। ऐसे ही फिर बात करें एक्सटेंशन की, तो जब भी वर्ड में आप लोग कोई फाइल बनाएंगे तो उस फाइल का एक्सटेंशन .doc होता है, लेकिन एक्सटेंडेड वर्जन में .docx होता है। एक छोटी सी बात, इस वर्जन का जो काम है वो ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख करके दे देता हूं आपको ताकि आप लोग भविष्य में कंफ्यूज ना हो। अभी मैं रिबन को मिनिमाइज कर दूं ताकि स्पेस मिल जाए। मैं जो बात बोल रहा हूं ध्यान रखिएगा, ऑफिस 97 से लेकर के 2003 ऑफिस तक जितने भी एक्सटेंशन है वो विदाउट एक्सटेंडेड चलेंगे, जैसे ओनली DOC, ओनली XLS, केवल PPT, फिर MDB, इस टाइप से। यहां लास्ट में एक्स नहीं लगेगा, लेकिन ऑफिस 2003 के बाद आने वाला वर्जन ऑफिस 2007 से लेकर के एडवांस जो वर्जन अभी चल रहा है 19 मान ले या ऑफिस 365 मान ले, इन सभी वर्जन में DOC की बजाय DOCX, XLS के बजाय XLSX, PPT के बजाय PPTX लगेगा और MDB के बजाय MDBX लगेगा, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस एक्सटेंडेड वर्जन। तो ये वेरिएशन आपको पता होना चाहिए, CPCT या MPPSC की जो एग्जाम्स होने वाली है उसमें वहां पर वो वर्जन दे देंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 का एक्सटेंशन होता है। अब नीचे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोल दिया मतलब वर्ड का एक्सटेंशन रटा हुआ DOC है, लेकिन 10 वर्जन बता दिया, तो आप लोग यहां पर वहां DOC भी रहेगा और DOCX भी रहेगा, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार DOC होता है वर्ड के लिए तो ये X तो होना नहीं है। तो ये आपको यहां पर उसके डिफरेंस बता दिए कि 97 से लेकर 2003 पूछते हैं, तो आपको याद रखना है कि वहां X नहीं लगेगा लास्ट में, लेकिन 2007 से लेकर अभी लेटेस्ट जो 365 ऑफिस लॉन्च किया है उसमें हमेशा लास्ट में X लगेगा। चलिए आगे बढ़े, फिर फाइल सिस्टम की बात करें कि वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सेस, इसमें बनने वाली फाइल को क्या कहा जाता है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाली जो फाइल है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं, एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहते हैं,
आपका पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनता है और एमएस एक्सेस में डेटाबेस बनता है। आउटलुक में ऐसी कोई फाइल नहीं होती, वहां मेलिंग पार्ट रहता है, वो एक अलग पार्ट है। ऐसे ही वर्क एरिया कि वर्ड में जब हम डॉक्यूमेंट पर काम करते हैं तो डॉक्यूमेंट पर जो फाइल में काम करते हैं उस फाइल में किस जगह पर काम करते हैं उसका वर्क एरिया क्या कहलाता है, तो वर्क एरिया को डॉक्यूमेंट्स में पेज बोला जाता है। एक्सेल में वर्कशीट या स्प्रेडशीट, स्प्रेड मतलब बहुत बड़ा या फैला हुआ भाग, तो बहुत बड़ी शीट होती है उसको वर्कशीट कहते हैं। ऐसे ही माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड बोली जाती है, इसका वर्क एरिया। देन एमएस एक्सेस में टेबल पे काम होता है। आगे बढ़े तो इसका जो मेन्यू पार्ट होता है, मेन्यू बार जो होता है, तो उसमें कुछ चेंजेस दिए हैं। जैसे मेन्यू में हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर वर्ड की बात करें तो लगभग सभी प्रोग्राम में होम मेन्यू मिलेगा, होम के साथ में इंसर्ट मिलेगा, इंसर्ट के साथ में आप लोगों को लेआउट मिल जाएगा, लेआउट के बाद लास्ट में रिव्यू और व्यू मिल जाएंगे। लेकिन दो दो मेन्यू लगभग सब में चेंज है, वर्ड में रेफरेंस और मेलिंग, तो एक्सेल में रेफरेंस और मेलिंग की जगह पर फॉर्मूला और डेटा एड कर दिया है। ऐसे ही पावर पॉइंट में जाएंगे तो एनिमेशन और स्लाइड शो मेन्यू चेंज कर दिया है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है इन सभी प्रोग्राम्स में, वो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एमएस वर्ड का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देने की कोशिश करिए। एमएस ऑफिस के सारे वर्जन, एमएस ऑफिस के सारे जो टूल्स होते हैं उसके उससे रिलेटेड सारे वेरिएशन, उसके डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये सब आप लोगों को मैंने इसमें बताए। इसके बाद सेकंड वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग एमएस वर्ड में पूछे जाने वाले सारे शॉर्टकट्स की बात करेंगे। तो शॉर्टकट्स में जब की कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो फंक्शन की शॉर्टकट्स आएंगे, फिर अल्फाबेट आपके कंट्रोल की शॉर्टकट्स, देन अल्टर कंट्रोल, कंट्रोल शिफ्ट अल्टर, ऐसे कई सारे शॉर्टकट्स हैं। तो लगभग आप लोगों को 250 शॉर्टकट्स में इसके माध्यम से पढ़ाऊंगा, और उस 250 में से आप जितने ज्यादा से ज्यादा याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में कौन सा शॉर्टकट पूछेंगे ये मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, तो आपको तैयारी पूरी करना है। समय कम है, काम ज्यादा है, तो कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा मेहनत करने की। आज के इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।